नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बादाम और खसखस का दूध, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी भी होता है। बादाम और खसखस का दूध पीने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और इसे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये दूध सभी को पीना चाहिए, बच्चे और बड़ों को भी ये दूध पीना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होता है। इस हेल्दी सी ड्रिंक को बनाकर आप, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, आप इसको रोज़ पीजिए। जिस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बनाना शुरू करते हैं खसखस और बादाम का दूध। यहाँ पर हमने लिए हैं बादाम, जिसको हमने पूरी रात भिगोने के बाद इसका छिलका निकाल लिया है। ये 25 बादाम होंगे जिसका हमने छिलका निकाल के लिया है, और साथ में हमने खसखस ली है, इसको भी हमने पूरी रात भिगो के रखा था। ये 5 चम्मच हमारे पास खसखस है और ये अच्छे से धोने के बाद हमने भिगोई थी, वही खसखस का हमने पानी निकाल कर ले लिया है। ये भीगी हुई बहुत अच्छे से खसखस भीग कर फूल कर तैयार हो चुकी है। अभी हमें इन दोनों चीज़ों को पीस कर इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। मिक्सी का जग लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं ये खसखस पूरी, हमने खसखस उसके अंदर डाल दी है, और साथ में हम बादाम भी डाल देंगे और डालेंगे इसके अंदर दूध ताकि इसको पीसने में थोड़ी आसानी हो जाए। 2 चम्मच हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है। अगर ज़रूरत लगेगी तो पिस नहीं रहा है तो अच्छे से, तो हम इसके अंदर फिर से दूध डालेंगे। पहले हम 2 चम्मच ही डालेंगे ताकि जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बन जाए। 2 चम्मच दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छे से इसको पीस लिया था, बहुत ही अच्छे से पीसा था, और थोड़ा इसमें हमें दूध की और ज़रूरत लगी तो हमने इसके अंदर 2 चम्मच और दूध डालकर इसको हमने बहुत ही अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। आपको दिखा देते हैं, टोटल हमने इसके अंदर 4 चम्मच दूध डालकर इसको अच्छे से पीसा है। बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट इसका बनाना है, तभी हमारा दूध टेस्टी होगा। अच्छा पेस्ट हमने इसका बनाकर तैयार कर लिया है, आपको दिखा देते हैं। इस तरीके का पेस्ट बना है, बिल्कुल इसमें दाने नहीं हैं। चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। गैस पर हमने गर्म होने के लिए पैन रख दिया है, उसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। मानकर चलिए कि ये घी जो है 2 चम्मच होगा, क्योंकि ये घी जमा हुआ है इसीलिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे खसखस और बादाम का पेस्ट, और सारा पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हमें मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इस पेस्ट को भूनना है। बहुत ही अच्छे से इसको भून कर लेना है, और इससे भूनने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से लगातार चलाते हुए हम इसको 3-4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से इसको भून लेंगे। आपको दिखा देंगे किस तरीके का हमें चाहिए। जहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके से पेस्ट को बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं कि आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ज़्यादा बादाम और खसखस लीजिए, और इसका पेस्ट बनाने के बाद इसी तरीके से आप इसको घी डालकर अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से इसको रोस्ट करने के बाद आप, जिस तरीके का मैं एंड पर दिखाऊँगी कि मैंने इस तरीके का रोस्ट कर लिया, इस तरीके से रोस्ट करने के बाद आप इसको 10-12 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से ये 15 दिन तक भी चल जाएगा। और रोज़ आप इसमें से अगर 1 कप बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच मिश्रण लेकर आप दूध के अंदर डाल दीजिए, जल्दी से आपका बादाम और खसखस वाला दूध तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। एक बार पेस्ट बनाया हो तो आप रोज़ बादाम और खसखस का दूध पी सकते हैं। अच्छे से हमें इसको लगातार चलाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं खसखस में जो दूध और जो पानी था बहुत ही अच्छे से सूख चुका है, और खसखस देखिए थोड़ी खिली खिली सी हो रही है। अभी हम इसको और थोड़ी देर ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा। जब ये एकदम बिखर सी जाएगी तो पता चलेगा कि ये हमारी खसखस बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसका डो नहीं बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसको खसखस को भुनना है। इसका टेस्ट भी भुनने से बहुत बढ़िया आ जाता है।
आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, खसखस हमारी बुनकर तैयार हो चुकी है। हम आपको दिखाने के लिए इसी के अंदर भी दूध डालकर ये दूध बना सकते थे। मैंने इसको ऐसे बताया है कि मैंने इसको खसखस का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, जो हमने मिश्रण इसको अच्छे से कर लिया है, और इसको हम साइड पे रख देंगे। और जब भी आपको दूध बनाना हो तो इस तरीके से अब हम दूसरा पैन रखेंगे, उसके अंदर हम दूध डालेंगे। हम 4 कप दूध बना रहे हैं इसके लिए, तो हम 4 कप के हिसाब से हमने इसके अंदर 4 कप दूध डाल दिया है। दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। दूध को जब उबाला आ जाएगा तो कुछ देर हम ऐसे ही पकाएंगे ताकि दूध बहुत ही बढ़िया से अच्छा सा हो जाए। दूध को वाला आने के बाद हमने 1 मिनट तक दूध को पका लिया है। दूध हमारा उबलकर बहुत ही अच्छे से, थोड़ा सा थिक भी हो चुका है, बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। अब डाल देंगे इसके अंदर खसखस और बादाम का मिश्रण। हम बना रहे हैं 4 कप दूध, उसी हिसाब से हमने इसके अंदर 8 चम्मच इसके अंदर डालनी है। जो मिश्रण है वो हम 8 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे, इतने से दूध बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। 8 चम्मच हमने इसके अंदर ये मिश्रण डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है, और साथ में इसको बहुत ही बढ़िया से उबाल आने तक 1 या 1.5 मिनट तक हम खसखस डालने के बाद फिर से पका लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया से दूध हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। खसखस डालने के बाद हमने 1-1.5 मिनट तक दूध को पका लिया है, और अब डालेंगे इसके अंदर हम 4 चम्मच चीनी। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे से इसको मिला लेना है। एक उबाला आने तक हम चीनी को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। देखिए चीनी डालने के बाद दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। बादाम और खसखस का दूध हमारा बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा दूध बना है। चलिए अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। हमने 2 यहाँ पर कप लिए हैं सर्व करने के लिए, उसके अंदर दूध डालेंगे। दूध हमने इसके गिलासों के अंदर डाल दिया है, और ऊपर से हम कटे हुए कुछ बादाम डालेंगे। बादाम की कतरन हमने इसके ऊपर डाल दी है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालना चाहिए तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर से हमने बादाम डाले हैं जो देखने में भी अच्छे लगेंगे। साथ ही में हमने 1 चम्मच दूध में, गर्म दूध के अंदर जो केसर के धागे कुछ भिगो के रखे थे, वो हम केसर के धागे ऊपर से डालेंगे। जो 1 चम्मच दूध है वो भी डाल देंगे ऊपर से, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। केसर के धागे डाल दिए हैं, हमारा दूध बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दूध बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको बच्चों को सुबह बनाकर दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।